गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके साथ मैं लेके आ गया हूँ एक खूबसूरत सी छोटी सी प्यारी सी पोएम जो हमें तंदुरुस्त बनाती है, हमें स्वस्थ बनाती है, हमारे जीवन के अंदर रोगों को आने नहीं देती है। स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमने चरक संहिता के बारे में, चरक जी के बारे में हमने सीखा और चरक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई हमें दवाएँ लेने की, औषधि लेने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम अपना स्वास्थ्य ठीक तरह से ना रखें, हम जैसा वातावरण होता है, हम जैसी परिस्थिति होती है, ऐसा खाना अपना रहन सहन रखे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। गुजराती में कहावत है कि रात्रि वेला जे सुवे वहला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। बस इसी पोएम को ध्यान में रखकर आज हम स्टैंडर्ड 10 की पोएम नंबर 3 स्वस्थ वृतम समाचार। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव नाम के 5वें सर्ग के अंदर एक प्रसंग के अंदर कहा है कि धर्म करवा माटे नु सौथी प्रथम साधन कोई छे तो ये छे शरीर। आनो आशय ए छे कि मानस पासे धर्म करवा माटे भले घणी बधी वस्तुओ उपलब्ध होय पर जो पोते स्वस्थ शरीर न होय तो पेली बधी ज वस्तुओ नकामी छे। आ માણસનું શરીર સ્વસ્થ રહે એ માટે કેટલા ઉપાયો આ પાઠની અંદર, આ કાવ્યની અંદર છે, અને એ છે આપણા દિવસભરની દિનચર્યાનો। માણસની દિનચર્યા સારી હોય તો તેનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે। આયુર્વેદિક શાસ્ત્રના પ્રાચીન વિદ્વાનો અને આધુનિક ચિકિત્સા વિજ્ઞાનના તમામ ખ્યાતનામ વિદ્વાનો આ બાબતને સમાન રીતે સંમત છે। તો પ્રસ્તુત પાઠમાં માનવીની આદર્શ દિનચર્યા વિશે જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, ખાવા પીવા ઉઠવા બેસવા ચાલવા સુવા બધી જ બાબતોનો તેમાં સમાવેશ થયો છે, અને આમ માનવ જીવનનું ઉત્તમ નૈતિક આદર્શ સજ્જન સંગતિ, ગુરુ પ્રત્યે કા આદર, વિદ્યા પ્રાપ્તિ, આ બધી જ બાબતોને અહીંયા વળી લેવામાં આવેલી છે। તો પાઠની શરૂઆતમાં એક પિતા પોતાના પુત્રને સમજાવે છે કે આપણી દૈનિક ક્રિયા કઈ રીતની હોવી જોઈએ, કેટલા વાગે આપણે ઉઠવું જોઈએ, પછી ક્યારે બ્રશ કરવું, ક્યારે આપણે નાહવું, ક્યારે એક્સરસાઇઝ, યોગા, ભણવાનું, જમવાનું, સ્કૂલે જવાનું, પાછું આવવાનું, હોમવર્ક કરવાનું, આ બધાની એ યોગ્ય સમય અને એક રીત હોય છે જે આપણને અહીંયા બતાવવામાં આવેલી છે। આવ્યું છે, હે બાલહ ઉત્તિષ્ઠ શૈયાતઃ। અબ આપકો અપની ટેક્સ્ટબુક કે અંદર દેખો ના तो फर्स्ट टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब पहला पेज जो है उसके अंदर आपको करीबन 13 पॉइंट्स दिए हैं और दूसरे के अंदर 15, टोटल अगर देखें तो 28 पॉइंट्स है। यहाँ पर सबसे पहले कि हे बालक उत्तिष्ठयात शय्यात एंड स्वस्थ वृतम समाचर। हे बालक पथारी माठी कुल, इसका ट्रांसलेशन हुआ स्वस्थम वृतम समाचर, स्वास्थ्य नु आचरण कर। देखो गुजराती में अगर आपका ट्रांसलेशन है तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम एज इट इज गुजराती में ट्रांसलेशन के टाइम पे लिख सकते हैं, जैसे समाचर समाचर, स्वस्थम, बालक की जगह बालक लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। स्मर मतलब स्मरण करूँ, जगत यानी कि जगतना, विधाता यानी कि सर्जनहार, परमेश्वर ने याद करवूँ जो, दैट इज स्टेप नंबर 3 है कि जगतना सर्जनहार परमेश्वर ने याद कर। ततः त्यार पछी शुद्धम जलम पीब, अने त्यार पछी चोख्खू पानी, शुद्धम मतलब आप चोख्खू की जगह आप शुद्ध लिखना चाहते हो, जल की जगह जल लिखना चाहते हो, चलेगा, और पीब से आपको आइडिया आ जाएगा, दैट इज पीवानी बात छे। ततः मतलब पछी, आम पछी शुद्ध जल पी। आगे 5वां नंबर है, शतम पदानी निष्क्रम्यम शोच अर्थम गच्छ सत्वरम, सत्वरम मतलब जल्दी थी, शोच कार्य करूँ मतलब संडास बाथरूम या फिर वॉश क्रिया होती है सुबह के टाइम के अंदर वॉशरूम में जाके, वो आपको करना है। पर पहले ऐसा होता था गांव के बाहर जाते थे, छोटी सी एक्सरसाइज भी हो जाती, तो शतम मतलब 100 डगला पगला, पदानी मतलब डगला पगला, निष्क्रम चाली ने गच्छ चाली ने जल्दी जल्दी चाली ने, अने तारे शोच क्रिया माटे जल्दी थी जवुं जोईए, आम 100 डगलाओ बाहर चाली ने तू तारी शोच क्रियानुं कार्य जल्दी थी पूर्ण कर। फेनिलेन, फेनिल यानी कि होता है साबुन, करो मतलब बनने, हाथ,
यहाँ पर जब ओ आकारांत आता है, उकारांत आता है, तो उस समय आपको ओ मतलब होता है द्विवचन के हिसाब से, कर मतलब हाथ एंड करो यानी कि बनने हाथों ने, कृत्वा करो, शुद्धो मतलब शुद्ध करवा जो ये, एंड लास्ट इज अ व्यायाम चम आचर, व्यायाम हलंत वाला आएगा प्लस समाचर, यहाँ पर समाचर के हिसाब से लिया जाएगा, समाचर अने पछी तू व्यायाम यानी कि कसरत कर। इस तरह से हे बाड़क तू पथारी में उठ, नंबर वन, स्वास्थ्यम समाचर मतलब स्वास्थ्य नु आचरण कर, जगतना विधाता भगवान ईश्वर ने तू याद कर, चुखू पानी पी, 100 डगला बहार चाली ने तू शोच क्रिया माटे जल्दी जल्दी थी जा, साबु थी बनने हाथों ने चोखा कर, अने पछी तू कसरत करवा माटे जा। नाउ नेक्स्ट हमारे जो दिए गए वो है 6, उसमें 7 थे, इसमें 6, टोटल हो गया आपके 13 पॉइंट, फर्स्ट आपके पेज के ऊपर है। तेलम मर्दयम, तेल बोलो तो तेल, ऑयल, मर्दयम काये, काये बोलो काया यानी कि शरीर, तुम ततः स्नानम समाचर, पछी हमारा जो नेक्स्ट यानी कि 8वां जो काम है वो है शरीर ऊपर, कायानी ऊपर, तू तारू तेल अथवा तो मालिश लगाओ, मालिश कर। पहले के समय में ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है कि अगर सुबह सुबह अगर हमारे अपने हाथ और पाँव के अंतर के जो भी हमारी नब्ज है उसको खोलना है, हमारे शरीर को हेल्दी रखना है, जिस तरह से हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, उस तरह से हमारे हाथों के ऊपर जो छोटे छोटे घुसबम्स है, जो रुआटी है, वहाँ से भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते भी है, पानी लेते हैं छोड़ते भी है, तो उसको भी हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। और वो साफ़ सफाई के लिए सबसे पहले हमें तेल मालिश करनी चाहिए, वो तेल मालिश से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और उसके बाद ततः स्नानम समाचर, मैंने त्यार पछी जो नेक्स्ट नंबर का काम है दैट इज स्नान करवानु, स्नान कर, यथा विधि जलनेव वस्त्रम स्वकीयम प्रदायव, पछी पानी थी पोताना वस्त्र हमेशा अपने उपवस्त्र अंगत वस्त्र जो होते हैं वो हमें ही धोने चाहिए। कहते हैं कि वहाँ से ही रोग आते हैं और वहाँ से ही रोग जाते भी हैं, पर अगर वो वस्त्र अगर हम अपने हाथों से योग्य तरीके से धोए, उसको सुखाए और फिर पहने तो हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती। इसलिए लिखा है यथा विधि, योग्य विधि प्रमाणे जलनेव, पानी थी वस्त्र तुतारा वस्त्रों ने बराबर प्रधाव्य दो, मैंने त्यार बदी, त्यार पछी पूर्व भी मुख आसीनम, अलग पूर्व दिशा नी तरफ मुख मतलब मोडू राखी ने, मुख राखी ने कुरु कर, संध्या विधिम तथा तू संध्या उपासनानु कार्य कर, पूर्व दिशा तरफ मोडू राखी अने भगवान सूर्य नारायण नी प्रार्थना करो, आपके जो कुल देवता है कुल देवी है उसकी याचना करो, उसकी प्रार्थना करो। और फिर उसके बाद है वंदस्व पीतरोह, ये आपका द्वंद समास है, माता अने पिता दैट इज पितरो, और त्यार पछी हमेशा माता पिता ने वंदन करवानू छे। और ये आता है आपका 12वां नंबर का पॉइंट कि जहाँ पर हम सुबह उठते हैं वहाँ से स्टेप नंबर 2-12 है, वहाँ पर हम माता पिता को प्रणाम करते हैं। आज तो हालत इस तरह से कलयुग आ गया है, सब जगह पर माता पिता अपनी जगह बिजी, बच्चा अपनी जगह बिजी, तो पूजा पाठ करना या फिर कह सकते प्रणाम करना वो समय के हिसाब से ही मुख्य होता है। बेटर है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर जो हमारे भगवान है वो है माता पिता, उसको हर रोज़ हमें प्रणाम करना चाहिए, और वो प्रणाम करने के बाद प्रातराशम आशानच ने प्यार पछी 13 पॉइंट से 13वें नंबर पे आता है सवारनो नाश्तो कर। ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है। इसके जो कवि हैं उसका नाम जैसे हमने बताया है, ये आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरह से, कालिदास जी है, बुक का नाम है कुमार संभव है, और उसके अंदर 5वें सर्ग में से लिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बताया गया है वो यहाँ पर आपके सामने है, पाठशाला समम मित्रे गच्छ, पछी तू मत समम का मतलब होता है साथे, टू विथ मित्रों साथे तू निशाले अर्थात शालाए जा, पाठशालाए जा, अने पाठम तथा पठम, अने त्यां जाय अने तारा पाठो वाँच, पाठ मतलब पाठ अने पठ मतलब वाँच, एवं समादिशः पुत्र तातः पुत्र हिते रतः, इस तरह से जो हमारे पिताजी है जो हमेशा पुत्र के हित के लिए कार्य करते रहते हैं, उसने इस तरह से अपने बेटे को आदेश दिया है कि जो बेटा आ प्रमाणे पुत्रना हितमा मग्न या फिर पुत्रना हितमा रचा पचा पिताए
पुत्र को ऐसा आदेश दिया। समादिशतः आदेश आप्यो, उसने कहा, क्या कहा कि बेटा ये तो हमारा शेड्यूल है, ये हमारा डेली कार्य है, पर इसके अलावा भी हमें ध्यान में रखना है क्या कि तज्य दुर्जन संसर्ग, हमेशा दुष्टों का संग छोड़ना है। भज साधु समागत, वो जो सज्जन होते हैं, साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उसकी सोबत कर, उसकी संगति में रहो, उसके साथ मित्रता करो। करु पुण्य महोरात्रम स्मर नाम हरे सदा। अब एक के अंदर दो पॉइंट्स है, दैट इज दिवस रात तारे पुण्यनु कार्य करव जो मोहरात्रम, है ना, रात ने दिवस तारे पुण्यनु कार्य करव जो अने हमेशा हरि मतलब भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। ये पिताजी ने अपने पुत्र को कहा, यानी कि एक दो तीन चार क्या बोला है कि दुष्ट का सज्जन संगति छोड़ो, सज्जन की संगति करो, दिवस रात पुण्य का कार्य करो और हरि का नाम का स्मरण करो। वापस से, दुष्ट के संगत छोड़ो, सज्जन की संगति करो, दिवस रात पुण्य का कार्य करो अने हरिना नाम नु स्मरण करो। आगे लिखा है प्रविचार्यतम देयम सहसा न वदे कदाचितम, जो ध्यान में राखो जीवन की अंदर कि पाको विचार करीने जवाब आपो, गम्मे त्यारे गम्मे ते व्यक्ति ने गम्मे ते कही देव ये पण एक खराब कार्य छे। आथी जे तमारो पक्का विचार हो जाए पछी हमेशा जवाब देवो जोईए। आगे लिखा है सहसा न वदते कदाचितम, क्यारे पण वगर विचारे न बोलवू जोईए, विचार करके ही बोलना चाहिए। दोनों सिमिलर जैसे हैं कि पाको विचार करीने बोलो अने सहसा अचानक क्यारे पण आपणे वगर विचारे ना बोलवू जोईए। शत्रुरूपी ही गुणाग्राह्यम, कभी कभी हमारे शत्रु के अंदर भी अच्छे गुण होते हैं, गुड क्वालिटी होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो उसी तरह से बताया गया है कि गुरु रूपी दोषा तजताहा, यानी कि गुरु के अंदर कुछ दोष होते हैं, कुछ गलतियां होती है, कुछ कमी होती है, उसको त्यजवा मतलब त्याग करना चाहिए कि हमारे गुरु हैं और जैसे भी हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको इतना ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है ध्येयम सनातम ब्रह्म हेयम दुखमागत, ध्येय मतलब हमेशा जो जीवन के अंदर भगवान है, सनातन भगवान ईश्वर है, उसका हमेशा ध्यान करना चाहिए। और जो नहीं आया हुआ है, जो जीवन में क्यारे पर न आवेला, भावी दुख नो हमेशा त्याग करो। बहुत सारे एडवांस में रोते हैं, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, ऐसा कर लिया तो आएगा, तब देखा जाएगा। पर जीवन के अंदर आप आगे से ही सोचना शुरू कर दो, रोना शुरू करो, बेटर है। उसके बारे में अभी से कुछ प्लान करोगे तो आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके साथ साथ बताया गया है कायम दुख मायम विदेन जन सेवनम, शरीर संबंधी जो सुख है आपके पास, आँख नाक मुँह कान हाथ पाँव, वो परिपूर्ण है आपके पास, दिमाग भी दिया हुआ है, तो ये जो आपका शारीरिक सुख है उसके ऊपर हमेशा स्वीकार करो। और इसके साथ साथ आपके पास जो सुख है किसी के पास नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे लोगों का सेवन करो, मतलब सेवा करना है, लोगों की सेवा करवानी। इस तरह से जो पिता है वो पुत्र को इस तरह से जवाब देता है कि क्या बोलता है कि दुष्टों ना संगत ने छोड़ो, सज्जन ने सोबत करो, दिवस रात पुण्यनु कार्य करो, हमेशा ईश्वर ना नाम नु स्मरण करो, पाको विचार करीने जवाब आपवानो, क्यारे वगर विचारे बोलवानू नहीं, शत्रुना गुणों ने स्वीकारवाना, तो गुरु वडील जो होय एना दोषों ने त्याग करवाना, शाश्वत परम ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, नहीं आए हुए दुख का त्याग करना चाहिए। आपके पास इतना खूबसूरत सा शरीर है, उस शरीर संबंधी सुख ने स्वीकार करवू जोइए, तो लोगों की सेवा करनी जोइए। इस तरह से इस साइड जो हमें दिए हुए हैं ये आपके 13 पॉइंट्स से इस पेज के हैं, और इस साइड आपको दिए हैं ये 15 पॉइंट्स दिए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं इधर 13 है, इधर 15 है, टोटल मिला के आपके बन जाते हैं दैट इज 28। जब भी आप इसका लर्निंग करना शुरू करो तो हमेशा पॉइंट वाइज लर्न करो, वहाँ पर आपको पूरा ट्रांसलेशन किसी तरह से पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, लाइन वाइज लिखना है। पर हाँ, इससे लर्निंग पावर और फटाफट से होगी, आपका परफेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, इसके बाद ये टॉपिक था, इसके बाद ये टॉपिक था, तो लर्निंग करने में बहुत ही ईजी रहेगा आपको। वहाँ पर तो सीधा ही ट्रांसलेशन लिखना है, पर लर्निंग करते वक्त ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे इसके मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ये हमारे जीवन का जो शेड्यूल बताया पूरा दिन का, उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके सामने मैंने रखी।
आशा करता हूँ कुछ अगर गलतियाँ हुई तो आप मुझे बताएगा, मैं उसको सुधार लूँगा। और आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर बताएगा, हम आगे आपको और अच्छे वीडियो भेजते रहेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। धन्यवाद।